हर बार हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि प्रायोरिटी लिस्ट में एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर है, लेकिन हम अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखें एजुकेशन सेक्टर का, तो आप सभी जानते हैं कि किस दौर से गुजर रहे हैं बच्चे और डिपार्टमेंट। तो अभी हमारे साथ है पासीघाट वेस्ट के नीनू रंग जी MLA, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि उन्होंने एक सवाल रखा था। हम चाहते हैं कि जनता भी जाने आपने क्या सवाल रखा और आप क्या कहना चाहेंगे। सर आपका सवाल आपने जो असेंबली में रखा था। सर धन्यवाद। आज का जो सवाल था, मैंने अपने जो शिक्षा मंत्री है उनको मैं सवाल पूछा था कि शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से बहुत रैंडम ये कुछ लोगों को नौकरियां दी गई थी, तो जिस प्रकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री पेमा खांडू ने कहा कि नहीं हम करप्शन फ्री है, और मैं भी जानता हूँ कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी है या हमारे शिक्षा मंत्री है उनको बहुत पहले से मैं जानता हूँ कि उनका जो वास्तविक उनका जो जिस प्रकार है व्यवहार लोगों से, जिस प्रकार से वो हमारा राज को आगे ले जा रहे हैं, तो उसको तो हम लोग उसको कहेंगे ये काबिले तारीफ़ है। लेकिन जब लेकिन आ जाता है तो उसके साथ में जो अफसरे हैं एम्प्लॉयज़ हैं उसमें शायद कुछ खामियां आ गई ही हैं। तो इस बार जब मैंने उनको प्रश्न पूछा तो उसमें बोला है कि नो देर इज़ नो इलीगल अपॉइंटमेंट एंड द क्वेश्चन डज नॉट अराइज। तो मैंने उनको कहा कि मेरा 35 साल का एक तजुर्बा है और जिस प्रकार से जो वेग आप आंसर्स दे से ये गलत बात है, आप मिसलीड नहीं करना चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। तो जवाब तो दे दिया है कि उन्होंने कहा कि नहीं ये जो अगर कोई इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुआ है तो उसके लिए वो सख्त से सख्त कदम लेंगे। आज जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका कहना तो था ही, लेकिन उसके बाद जब हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि नहीं इसके लिए मैं खुद स्वयं उसका हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इसका हम तहकीकात करेंगे, तो उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने खुद शिक्षा उनका विभाग नहीं है फिर भी उन्होंने एक कदम लेने जा रहा है कि अगर कोई लकुनाज हुआ है कहीं उनका जो जिस प्रकार से अपॉइंटमेंट में या जो नौकरियां का जो इश्यू है इसमें अगर कोई खामियां हुई है तो उसको वो दूर करेंगे। सवाल ये रखना चाहूँगे क्योंकि आपने इतना बड़ा सवाल रखा, कुछ ना कुछ कारण होता होगा रिगार्डिंग जो इलीगल अपॉइंटमेंट को लेकर कह रहे, तो सर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे लोगों को सर, जो कुछ आपको पता है या कुछ चीज़ें जो शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ में। सर देखिए हमने कहा कि हम शपथ के अंदर है, शपथ मीन्स आई स्टैंड बाय द ओथ, तो वहाँ जो भी मैं बोलूँगा वो सत्य करूँगा, सत्य के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। तो मैंने साथ साथ मैंने बोला कि मैं 35 साल मेरा यहाँ राजनीति में, इस प्रजातंत्र इतना बड़ा प्रजातंत्र देश में, चाहे मैं केंद्र मंत्री रहा या यहाँ हमने अपना मंत्री रहा या हमने एक सर्कल ऑफिसर के रूप में हैसियत से रहा, तो यहाँ में हमने नौकरियाँ दी, हमने मोर देन 600-700 नौकरियाँ दी, और इनफैक्ट यहाँ असेंबली में भी लोगों को हमने नौकरियाँ दी। उस समय में तो SSB नहीं था, लेकिन कोई हमने किसी को हम सिफारिश किया या हम किसी को इंटरव्यू में ठीक तरीके से उसका जांच लिया, तो उसमें जिस प्रकार से हम लोगों को नौकरियां दी, इवन एज ए मिनिस्टर फॉर PHE जल जीवन का हम जो मंत्री थे उसमें चौनामेन जी मंत्री थे, हमारा अभी का जो उद्योग मंत्री श्री तुमके बागरा जी थे, तो एक टीम वर्क थी, तो टीम वर्क में हम लोग एक पैसा भी एक कौड़ी भी हम लोगों से नहीं लिया। तो अभी का हालात में हमको बहुत दुख आता है कि जब हमारे पास बच्चे आते हैं कि हमने किसी को खेती दिया, हमने किसी को माटी दिया, हमने किसी को पैसा दिया, तो ये गलत है ना। अगर मेरे इतना समय में अगर मैं किसी से भी एक पैसा भी लिया होगा किसी को नौकरी देने में, मैं साथ साथ आज का उस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में साथ साथ रिजिग्नेशन देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अभी का जो हालात है इसको तो सुधारने के लिए हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ठोस कदम लेंगे, उसका पूरा हम साथ देते हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि शायद भविष्य में ऐसा गलतियाँ ना हो। धन्यवाद।